ये हमारा फाइनाइट सोलेनोइड का फिगर है, ठीक है। करंट ऐसे पास करवाते हैं हम लोग, ठीक है। करंट एक एंड से घुसाते हैं, दूसरे एंड से निकालते हैं। यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं, टर्न डेंसिटी एन बाय एल। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनाइट सोलेनोइड, एक ऐसा सोलेनोइड जिसकी जो जिसकी लेंथ और रेडियस में रेशियो जो होता है ना वो अप्रिशिएबल होता है। मतलब कि जैसे कि बोल देगा कि लेंथ है दस सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे सोलेनोइड को हम पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा लॉन्ग सोलेनोइड था उसपे भी हम आएंगे इसके थ्रू। ये बिल्कुल याद रखना, ये जो केस में पढ़ा रहा हूँ ये जनरल केस है, ठीक है। और जो लॉन्ग सोलेनोइड था वो था स्पेशल केस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसी का लॉन्ग फाइनाइट सोलेनोइड का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया फिगर, जो कि फिजिक्स में सिंबल हम जो जैसे यूज करते हैं उसके हिसाब से होगा, मतलब क्रॉस और डॉट वाले हिसाब से। ये देखो यहां से करंट कैसे जाएगा, अंदर के अंदर जाएगा, इधर से करंट कैसे आएगा, बाहर आएगा। उस फिगर के अगर अपने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करें, यहां पे आएगा डॉट, ऊपर आएगा क्रॉस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमको किसी एक पॉइंट पे ना क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने को। वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा वो। कहीं पर भी लाई कर सकते, देखो है कहाँ पे, वो एक्सिस पे ही है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड को भूल जाओ एक बार, की लॉन्ग सोलेनोइड के हर पॉइंट पे फील्ड सेम ही होता था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग है ही नहीं, यहाँ तो फाइनाइट है ना। मतलब फाइनाइट सोलेनोइड है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ के रखा था ना लॉन्ग वायर, फाइनाइट वायर के लिए, और फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग वायर के लिए। तो फाइनाइट वायर के लिए हम क्या करते थे, हम एंगल सेलेक्ट करते थे θ1 θ2, और फिर हम उस एंगल को प्रॉपरली साइन देते थे, प्लस माइनस साइन। जैसे हमने वहां पे एंगल कंसीडर किया था ना, कुछ वैसा ही काम यहाँ पे हम इसके लिए भी करेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, और ये हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो एक बात ये है। और देखो जब एंगल नापते हैं तो याद करो, एंगल हमेशा कैसे नापा जाता है, एक्स एक्सिस से नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जाकर के नापा जाता है। हमने यहाँ पे वो वाला मेथड अगर फॉलो किया, ये एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं θ2, और यहाँ पे हमने एंगल सेलेक्ट कर लिया θ1। यहाँ पे मैंने भी बता के रखा था, मैंने एक तुम लोग को कुछ कुछ यहाँ पे जो डेटा ध्यान रखना है वो रेडियस इसका आर होगा सोलेनोइड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंगल θ1 है, ये एंगल कितना θ2 है, ठीक है। क्या क्या डेटा है, आर है, θ1 है, θ2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म होगा एन, विच इज टर्न डेंसिटी, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा देखो यहाँ पे वायर वुंड है, ठीक है, टाइटली वुंड है, और यूनिफॉर्म एन है, मतलब टर्न डेंसिटी हर 1 मिलीमीटर में अगर बोला गया 3 टर्न है, तो वो हर 1 मिलीमीटर में 3 टर्न, तो पास पास उसको वाइंड अप किया गया। अब इसको निकालने के लिए एक बात हो, तुम देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से तुम्हें दिखाऊं ना, तो ये
फिगर अगर तुमने देखा ध्यान से तो ये कॉइल है, देखो ये वही चीज होगी जो मैंने उधर पे दिखाई है, यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर कॉइल है, ये जितने भी कॉइल है ना यहाँ पे, ये सब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा। तो हर कॉइल का, हर कॉइल में करंट सेम फ्लो कर रहा है, रेडियस सेम है, लेकिन हर एक कॉइल जो अपना पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो तो अलग अलग क्रिएट करेगा। क्यों? बिकॉज हर एक कॉइल का डिस्टेंस अलग है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था यू नॉट आई बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ पे लिखते थे यू नॉट एन आई ए बाय टू पाई अच्छा था, तो यहां से पाई था, टू पाई था, मैंने बोला था ये एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसको एक बार मान लो वन है, यहाँ पे कितना पाई आर स्क्वायर था, ये पाई पाई कट जाता, तो क्या था यू नॉट आई, ठीक है, स्मॉल आर ये आर स्क्वायर, ये आर रेडियस था, और ये एक्स क्या होती दूरी हो जाती ना, ये एक्स ये डिस्टेंस था और ये आर रेडियस था, और फील्ड का फॉर्मूला क्या था यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के। अब यहाँ पे अगर तुम देखो ना अलग अलग लूप पे सबका जो डिस्टेंस होगा ना इस लूप से, इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस और ज्यादा होगा, तो एक्स तो वैरी कर रहा है ना, तो हर एक कॉइल जो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो अलग अलग क्रिएट करेगा, बिकॉज हर एक के लिए क्या वैरी कर रहा है, एक्स वैरी कर रहा है, सबके लिए आई और आर तो सेम है लेकिन एक्स सबके लिए वैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब जो चीज मैंने वहां पे ड्रॉ की वहां से समझना, कुछ चीजें वहां से समझना आसान है, कुछ चीजें ये वाले फिगर से समझना आसान है, तो हमने दोनों फिगर ड्रॉ करके, अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसा करके ड्रॉ कर दिया एक लूप, मैंने अगर लिया यहाँ पे ऐसे करके, तो सामने से मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो इस लूप में ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां से बोला कि इस पी की दूरी यहां से लेट से अगर बोला गया मुझे तो कि वो दूरी यहां से लेके यहां तक की अगर एक्स, दूरी मुझे कितनी बोली गई है एक्स, ठीक है, इसका ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने थिकनेस, अब आर लिया तो थिकनेस भी तो लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, डीएक्स तो डीएक्स ले लिया, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dx हो जाएगा, n dx हो जाएगा, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dx कितना हो जाएगा, n dx हो जाएगा, बिकॉज एक में कितना था, एक एक मैंने क्या बोला कि एक यूनिट लेंथ में कितना है, एक mm या एक सेंटीमीटर में कितना n है, तो ऑब्वियसली बात है 2 सेंटीमीटर में 2n होगा, 3 सेंटीमीटर 3n होगा, dx थिकनेस में कितना हो जाएगा, n dx हो जाएगा, ठीक है, यही बात होगी, है ना, कि मान लो हमने थिकनेस यहाँ से लेकर के ये तो मैंने बहुत दूर दूर दिखाया, ठीक है, ये थिकनेस मैंने ली, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो एक यहाँ पे अगर एक पे एक है तो उतना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू हो जाएगा dB equals to u not I r square by 2 capital R square plus x square power 3/2, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए था, एक 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 कॉइल के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे इतने में से कितनी कॉइल है, देखो तो ऐसे अगर मैं तुमको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ पर देखो इतने ऐसे करके ये
ऐसे थी यहाँ पर, ये ऐसे एकदम पास पास, ठीक है, मैंने छोटा सा लिया ऐसे करके, ये बहुत सारी मतलब पास पास वायर्स है ना, एकदम पतली वायर है पास पास, तो हमने यहां से निकाल लिया। देखो देखो दिख रहा है पे, देखो ये लाल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इनटू एनडीएक्स हो जाएगा। यहाँ मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी लगाए थे, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे हमने लॉन्ग वायर में कैसे इंटीग्रेट किया था, कि हमने सब कुछ को किसमें एक्सप्रेस कर दिया था, इन टर्म्स ऑफ एंगल एक्सप्रेस कर दिया था, यहाँ भी हमारे पास जो एक्स है ना, इसको हमको किसमें एक्सप्रेस करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल में एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, एक देखो टैन थीटा इक्वल्स टू, जैसे वहां पे लिया था एकदम हुआ वही चीज है, टैन थीटा हमारा हो जाएगा आर बाय एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ यहां मैं अगर अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स हो जाएगा हमारा आर बाय टैन थीटा, आर कॉट थीटा, मुझे यहाँ पे डीएक्स को कन्वर्ट करना डी थीटा में, ताकि अगर मैं डी थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ एंगल का, डीएक्स हो जाएगा हमारा आर माइनस कॉस एक्स का थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ डीवी इक्वल्स टू यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ जो मैंने लिखा ना x, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और x के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू, सब कुछ सेम रहेगा, इनटू n इनटू ds के बदले में क्या लिख सकता हूँ, माइनस r cos x स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, डीवी क्या हो जाएगा मी नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू। अब देखो तो अब यहाँ पे पावर थ्री बाय टू था ना, तो हमने यहाँ पे जब किया था आर क्यू बचेगा ना बाहर आ जाएगा, और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का पावर हाँ डी थीटा भी आएगा, यहाँ पे डी थीटा भी आएगा, डी एक्स पर डी थीटा यहाँ पे होगा, डी थीटा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो टू आर क्यू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो कॉस एक्स क्यूब थीटा बच जाएगा यहाँ पे, ऊपर में क्या बचेगा माइनस माइनस को बाहर रख दो एन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, डीबी हो जाएगा ये कट गया, ठीक है, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा मी नॉट आई टू आर एन, ठीक है, इनटू कॉसेक थीटा को मिले सकता साइन थीटा ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ लगा दे माइनस साइन, ठीक है, सबको ज्यादा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। टैन थीटा जैसे जिसको फाइनाइट वायर का याद है ना, उसको भी हमने बिल्कुल यही मेथड किया था, थीटा में कन्वर्ट किया था हमने, ठीक है, वो आई थिंक इससे ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज वहां पे ज्यादा अननोन थे एक्चुअली, यहाँ पे क्या इतने भी नहीं, खाली एक एक्स है बस, वहां तो डीएल भी था और क्या कहते हैं और भी चीजें थी, वहां पे ज्यादा वेरिएबल्स थे, वहां पे हमको टैन भी लेना पड़ा था और वहां पे कॉस भी लेना पड़ा था, दो दो चीजें लेनी पड़ी थी। अब यहाँ पे आपको निकाला सर, सर एक आर ऊपर जो था वो कहां गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, और सर आर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स भी था ना, एक आर यहाँ पे था, ठीक है, आर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा था और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ये पूरा ही कट जाएगा, यस सर आर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाए ना, तो देखो याद रखना है कि इसमें हम ये हमारा जो कॉयल जो है ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये कॉयल की स्टार्टिंग यहाँ, हमने जैसे कोई लेंथ होती है हम रैंडमली कहीं भी ले लेते हैं ना dl, ठीक है,
ऐसे करके कहीं भी ले लिया डीएल, तो यहाँ भी हमने कहीं भी रैंडम ले लिया डीएक्स, और डीएक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से डीएक्स की स्टार्टिंग हो रही है, और डीएक्स की एंडिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो जब हमने लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो हमको टोटल फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं थीटा वन से लेकर के थीटा टू, तो डीबी का हो जाएगा बी म्यू नॉट एन आई बाय टू, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन कॉस का हो जाता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का रहता है साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और इसका हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है साइन, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस यहाँ पे आएगा माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा थीटा टू से थीटा वन, ठीक है, इसको भी रेज कर देता हूँ, डिसिप्लाइज दैट बी इक्वल्स टू यू नॉट एन आई बाय टू, ठीक है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा टू माइनस, कहाँ से स्टार्ट किया हमने थीटा वन से, सब कुछ बाकी सब सही किया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेट फील्ड हो गया अंदर के डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग में जाएगा यहाँ से थीटा वन से लेकर के थीटा, कहाँ से स्टार्ट किया हमने थीटा वन से स्टार्ट किया, और कहाँ पे हम जाकर के एंड करते हैं थीटा टू पे हम जाकर के एंड, ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जरा सा देखो इस चीज को, इस पे तुम्हारे सामने सवाल कैसे आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है कि हमारा अगर ये सोलेनॉइड है, जैसे हमारा फॉर्मूला इंटरनल पॉइंट के लिए वैलिड है, वैसे ही फॉर्मूला हमारे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी, माइनस साइन कैसे आएगा, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, साइन का देखो ये माइनस साइन था यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, जब इसको मैंने बाहर माइनस साइन को बाहर निकाल दिया तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा ना, माइनस कॉस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बराबर है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि मान ये जैसे इंटरनल पॉइंट के लिए वैलिड है, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी वैलिड है, ठीक है, मान लो अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड अगर ऐसा है और बोल दे कि यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड था ना तो उसके लिए हम एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लेते थे, जीरो लेते, लेकिन यहाँ पे बाहर जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो ये ऐसे ले लो एक एंड से और दूसरे एंड से ऐसे ले लो, ठीक है, ये मेरी हो गई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक एंगल, और ये एंगल मुझे बोला गया है, ये एंगल मुझे बोला गया है लेट्स से है 30 डिग्री, ठीक है, और बोला गया है कि ये जो एंगल जो बना ना यहाँ पे ये एंगल है 120 डिग्री। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुमको फॉर्मूला की डेरिवेशन से भी इंपॉर्टेंट है कि तुमको इसका प्रॉपर एंगल लेने आना चाहिए। देखो यहाँ पे जब हम एंगल लेते हैं ना, दोनों एक ही तरफ ले रहे हैं, देखो ये इधर से जा रहा है इधर और इधर से इधर जा रहा है, तो याद रखना जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिज्म में किसी में भी, तो हमको एंगल का जो ऑर्डर है वो याद रखना है, हमको उसी ऑर्डर पे ही हमको अपने फॉर्मूले जो भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब जब ये एंगल दोनों एक ही तरफ है, मैं ऊपर को बिठा रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे देखा ये 30 ऐसा, तो मुझे कहाँ से एंगल देखना पड़ेगा, मुझे एंगल ऐसा देखना पड़ेगा, ये एंगल कितना हो गया मेरा 150 डिग्री हो गया, और ये मेरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, तो मेरा बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय टू, ठीक है, cos थीटा टू कितना हो जाएगा, cos थीटा टू, मेरा ये एंगल हो गया cos, ये मेरा मैंने बोला था 120 डिग्री है, cos 120 माइनस cos थीटा वन कितना हो जाएगा cos ये 30 था, ठीक है,
ठीक है, तो ये पूरा कितना था, तो 150 डिग्री है, ठीक है, तो यू नॉट एन आई बाय टू कॉस थीटा टू को तुम लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 हो जाएगा मेरा माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस 30 दैट इज माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस 30, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि इस जो डेरिवेशन मैंने किया है यहाँ मैंने अलग अलग लूप कंसिडर किया ना, और अलग अलग हर देखो हर एक लूप के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बता के रखा था कि कोई भी लूप जैसे मान लो कभी भी अगर ऐसे लूप हम लेते थे तो उसका अगर हमने एक्सिस ड्रॉ किया है तो इसके हर पॉइंट पे देखो फील्ड तो वैरी करेगा लेकिन अगर हम एक्सिस पे देखें ना तो फील्ड सबका डायरेक्शन कैसा होगा, सब में सेम होगा, फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, सॉरी सब इधर ही होगा, फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा सब में, हर पॉइंट पे कैसा होता, सेम होता है, मतलब अगर मैंने इधर देखा तो फील्ड ऐसे जाती थी, ठीक है, इधर देखा तो फील्ड ऐसे जाती थी, इधर देखा तो फील्ड ऐसे जाती है, इधर देखा तो फील्ड ऐसे जाती है। तो अगर हम डेरिवेशन को देखें ना जो हमने किया है तो यहाँ पर भी क्या है कि हर एक कॉइल की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है ना वो कैसा है, सेम, ठीक है, इस पॉइंट मैंने यहाँ पे लूप लिया, यहाँ पे लिया, सबके लिए फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, इधर होगा सबके लिए, तो कहीं भी तुम ले लो। तो इसलिए हमको पता है यहाँ पे कुछ ज्यादा वरी नहीं करना पड़ा इंटीग्रेशन करने के लिए। बाकी सब में क्या होता है जब तुमने क्या कहते हैं अगर तुम इंटीग्रेट करो ना तो कभी किसी का एरो किधर जाता, कभी किसी का एरो किधर जाता, फिर हमको उसके एक्स कंपोनेंट लो, वाई कंपोनेंट लो, फिर उसके बाद हमको इंटीग्रेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हर एक के लिए फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो हमने क्या किया खाली वैल्यू को लिखो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात अगर हमको कहीं पर भी पूछ लिया अगर ये एक्सिस है हमारा, ठीक है, जो कि एक्सिस मतलब ये हमारे कॉइल के या हमारे सोलेनोइड के बीचों बीच से पास हो, तो हर पॉइंट पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉइल से हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, अगर यहाँ पूछ लेगा अलोंग द एक्सिस होगा, यहाँ पूछ लेगा अलोंग द एक्सिस होगा, तो कहीं पर भी हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। हाँ अगर मैंने दूसरे पॉइंट को ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस वो नहीं होता, फिर वो क्या जाएगा, फिर वैसे थोड़ा कर्व जाता है, ठीक है, वो हम लोग उसका भी फील्ड लाइन्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर हम खाली बीचों बीच में एक्सिस से बात करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा जाएगा, अलोंग द लाइन जाएगा, और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सोलेनोइड बना होता है कॉइल से, और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैसा होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है, और चाहे लेफ्ट पॉइंट लो चाहे राइट पॉइंट लो डायरेक्शन कैसा होता है, सेम, ठीक है, आई बात सबको समझ में, ठीक है। अच्छा ये वाला इसका तुमको जब ध्यान रखना है, अगर हमें कभी भी, ठीक है, तुम जब फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, फिर से बोल देता हूं मैं, कभी भी हमको अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए, हमको एंगल कैसा भी आड़ा तिरछा दे दे, ठीक है, हमें एंगल यहाँ पे बोल दे, कहीं भी निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, हमेशा क्या करना है आपको उसको ज्वाइन कर देना, उसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और हमें एक एंगल ऐसे लेना है, ठीक है, और हमें दूसरा एंगल ऐसे भी, अगर हमको यहाँ पे अगर एंगल दे दे कुछ अलग, ठीक है, तो हमको ये एंगल नहीं सेलेक्ट करना है, हमको पहले इस फॉर्मेट में ही एंगल लेना है और हमको दूसरा एंगल भी इसी फॉर्मेट में ही लेना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड, ठीक है। अच्छा देखो जो तुमने पढ़ के रखा था ना मैग्नेटिक फील्ड, तुमने कौन सा पढ़ के रखा था, लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की जाए तो मैं क्या इससे कैसे लॉन्ग सोलेनॉइड का निकालूंगा, मान लो अगर सोलेनॉइड लंबा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर हम जो हमने सीखा अभी अगर हम इसी के लिए पढ़े, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए तो कोई पॉइंट भी अगर होता है लॉन्ग सोलेनॉइड में तो क्या होता है, अब बहुत पॉइंट अगर बहुत दूर है तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे अगर होता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता, हाँ सही बोले, यहां पे अगर हम लेते ये ऐसे जाएगा, यहां पे अगर हम लेंगे तो ऐसे जाएगा, यहां पे लेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां पे लेंगे तो ऐसे जाएगा, तो ये अगर मैं देखू ना
ये अगर एंगल देखो ना, तो ये एंगल देखो कैसे बढ़ रहा है। अगर तुम दूर जाते चले जा रहे हो तो एंगल कैसे बढ़ रहा है, देखो तो बढ़ता चला जा रहा है एंगल। तो ये एंगल अगर बढ़ता चला जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो थीटा वन है वो किसको अप्रोच करेगा, फॉर लॉन्ग सॉलिनॉइड थीटा वन विल अप्रोच टू 180 डिग्री। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इधर जाता हूं ऐसे, और लॉन्ग है ना तो ये एंड की तो बहुत दूर जाएगा। देखो ये एंगल अगर मैं यहां से नापू, अगर मैं ऐसे जाऊं, ये एंगल पहले इतना था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर ये ऐसा कम हो गया, ठीक है, ये कम होता चला गया, और बहुत दूर जाकर के ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल अप्रोच टू 0 डिग्री। तो थीटा टू अप्रोचेस 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यू नॉट एन आई बाय टू कॉस थीटा टू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा वन कॉस 180 डिग्री। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 0 1 हो जाएगा और कॉस 180 माइनस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, तो क्या बचेगा, यू नॉट आई बचेगा ना, जो हमने सीखा था एम्पियर्स लॉ से, सेम वही चीज आ रही है, वो स्पेशल केस थी, अभी जो तुमने सीखा वो जनरल केस। अच्छा, अब देखो इस पे और कैसे सवाल आते हैं। अब तुम्हारे बुक में कभी देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, कभी कभी ये वन मार्क के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम, ठीक है, खाली इसका आंसर, और इसको बोल सकते हैं पॉइंट एट एंड ऑफ लॉन्ग सॉलिनॉइड, या मैं बोल सकता हूँ फॉर ए सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो मान लो ये ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये दूर जाता चला जाता है। अब जब ये ऐसे जाएगा ना तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये पॉइंट पी अगर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो थीटा वन कितना हो जाएगा, थीटा वन और थीटा टू, ठीक है, तो क्लियर से तो देख सकते हो यहाँ पे थीटा वन कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है, और दूसरा एंड तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर जाएंगे तो ये तो छोटा होता चला जाएगा, है ना, ऐसे छोटा था, तो थीटा घटते घटते कितना, 0 हो जाएगा, थीटा टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो मी नॉट एन आई बाई टू, ठीक है, कॉस थीटा टू दैट इज कॉस 0, कॉस 0 इज 1 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा इज कॉस 90 0, क्या हो जाएगा, मी नॉट एन आई बाय, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सॉलिनॉइड, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो कभी भी अगर ये सेमी इनफाइनाइट बोले, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा सेलेक्ट कर, अब समझना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब तुम लोग को मैंने बताया था कि जो सोलेनॉइड जो हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, वो कैसा सोलेनॉइड होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये नहीं है कि उसकी लेंथ जो है वो 50 किलोमीटर, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि उसकी जो लेंथ है उसके रेडियस के सामने कैसी हो, काफी बड़ी, ठीक है। अब अगर मान लो सोचो कैसी, ये जो तुमको मैंने बताया ये कैसे वैलिड होगा, देखो मान लो कि जो हमारा सोलेनॉइड है उसकी जो लेंथ है ना वो काफी बड़ी है इन कंपैरिजन टू द रेडियस, ठीक है, या अगर मैं यहां पे लेता हूं लेंथ कैसी है, रेडियस छोटा है, मान लो इसकी जो रेडियस है वो है 0.1 mm, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ना इसकी लेंथ है मान लो 1 मीटर, ठीक है। तो जो मैंने तुम लोग को बताया फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय टू कॉस थीटा टू, ये मैंने बताया फॉर्मूला, अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे थीटा वन क्या हो गया, थीटा वन तो ये एंगल हो गया, तो थीटा टू ये हो गया, थीटा वन ये हो गया, ठीक है। अब सोचो अगर ये 1 मीटर लंबा है, ये पॉइंट अंदर में है, ठीक है, मान लो ये जो गैप है ये है 0.25 है, 0.25 मीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस ही बात है कि
ये अगर मैं ध्यान से देखू ना तो ये जो एंगल जो बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल मैं लिख सकता हूँ एक बार के लिए, अगर थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन आर पी टू गेंस। ये अगर एंगल में देखो तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 0.1 बाय ये हाइपोटेन्यूज हो गया आर, ये एल मान लो इसको, ये तो पाइथागोरस से निकलेगा, हमको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको तो एक्स मान लो बाकी हमको उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक बात तो क्लियर है, ये एक्स जो 0.1 से बहुत बड़ा होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी, बहुत छोटी नहीं हो जाएगी? अगर ये बहुत छोटी है और एक तो ये छोटा है और ऊपर से इतने बड़े नंबर से डिवाइड हो, मतलब 0.1 मतलब कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करूंगा 25 के साथ, ठीक है, तो कितनी छोटी वैल्यू आएगी, छोटी आएगी मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या, ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे अल्फा बोल दो इसको, ठीक है, ये अल्फा अप्रोक्सीमेट अगर ये बहुत छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू या कॉस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा यहां पे हमारा हो जाएगा अल्फा के बदले मतलब अल्फा के बदले अगर इसे समझो ना टैंक समझो ज्यादा वो अच्छे से समझ में आएगा। टैंक से लिखो ना टैन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस हमारा क्या हो गया 0.25 हो गया ना। अब अगर ये देखो ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो अगर ये छोटा होगा तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो डिग्री। अब अगर अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो डिग्री है तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, अगर ये एकदम बहुत दूर है, अगर ये सोचो ना यहाँ पे ये तुमको ऐसे बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी समझ में आ जाए, ठीक है, देखो ये यहाँ पे इतना सा, ठीक है, और ये डिस्टेंस इतना सा है, ये यहाँ पे इतना सा है और ये और ये यहाँ पे ये बहुत छोटा है, देख सकते हो ये एंगल कितना छोटा बन गया, ठीक है, तो ऐसे भी फील कर सकते हो, तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जीरो डिग्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ अगर सेम चीज तुम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो ये एंगल कितना जीरो डिग्री हो जाएगा। तो क्लियर से देखो अगर ये बहुत बड़ा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल जीरो है तो थीटा वन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 180 डिग्री और थीटा टू अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा और हमको वापस से ये पुट कर दो वैल्यू हमें वापस से म्यू नॉट एन आई मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा जो सोलेनोइड क्लास खत्म हो जाएगी फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर से ज्वाइन कर।